रेस्टोरेंट स्टाइल फिश मसाला बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए तेल। मैंने यहाँ पर लिया है 150 ml। दो मैंने बड़े बड़े प्याज यहाँ पर काट लिया है। थोड़े से मैंने धनिया पत्ती को भी चॉप कर लिया है। टमाटर का मैंने यहाँ पे प्यूरी तैयार कर लिया है। दो बड़े टमाटर का मैंने यहाँ प्यूरी तैयार किया है। धनिया पाउडर 2 बड़े चम्मच, 1 बड़े चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आप कश्मीरी मिर्च का पाउडर भी यूज कर सकते हैं। 1 मैंने यहाँ नींबू का रस को पूरा गार लिया है, रख लिया है। यहाँ पर मैंने जीरा पाउडर लिया है 2 बड़े चम्मच। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच लिया है। हल्दी 2 बड़े चम्मच। 2 यहाँ पर मैंने तेज़पत्ता लिया हुआ है। स्वाद अनुसार नमक, 1/2 चम्मच गोटा जीरा, 1 चम्मच मैंने अदरक का पेस्ट लिया है। और यहाँ पर हरी मिर्च मैंने यहाँ पर काट कर रखे हुए हैं। यहाँ पर मैंने मछली को 1 kg लिया हुआ है। सबसे पहले हम मछली को मैरिनेट कर लेते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले हल्दी डालेंगे, उसके बाद हम इसमें लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, नींबू का रस, लहसुन का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट 1/2 चम्मच, आदी का पेस्ट। अब इसमें हम आदी का पेस्ट डालेंगे 1/2 चम्मच, स्वाद अनुसार नमक हल्का सा। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स करके 20 मिनट के लिए इसी तरह से रहने देंगे ढक। अब 20 मिनट हो गए हैं। अब हम पैन चढ़ा के इसमें मैंने तेल डाला हुआ है। अब ये तेल गर्म हो गया है। अब इसमें हम मछली को एक एक डाल करके फ्राई करेंगे। अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसमें हम मछली को धीरे धीरे डालेंगे, एक साथ सारा नहीं डालेंगे। अब देखिए एक साइड में मेरा मछली को हल्का हल्का सा ब्राउन हो गया है। अब हम इसे दूसरी ओर से भी हल्का हल्का सेक लेंगे। बहुत ज़्यादा मछली को हमें फ्राई नहीं करना है, लाइट फ्राई ही करना है। अंधेरा और उधर। अब देखिए मछली अच्छे से फ्राई हो गया। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए मैंने बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं किया है। देखिए मैंने सारे मछली को फ्राई कर लिए हैं। अब हम उसी तेल में तेजपत्ता डालेंगे। अब इसमें हम डालेंगे जीरा, गोटा जीरा है ये मैंने लिया है। अब इसमें हम प्याज डालेंगे, इसे हमें लाइट ब्राउन करना है। देखिए प्याज लाइट ब्राउन हो गया। अब इसमें हम डालेंगे लहसुन का पेस्ट, साथ में हम डालेंगे अदरक का पेस्ट, इसके साथ डालेंगे हम हल्दी, अब इसमें हम डालेंगे टमाटो प्यूरी, अब इसमें हम डालेंगे धनिया पाउडर 1 चम्मच, अब हम डालेंगे जीरा पाउडर 1 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, अब हम इसे अच्छे से भून लेंगे जब तक कि हमारा तेल साइड साइड से छोड़ना न लगे। अब देखिए मसाला मेरा भुन गया है, थोड़ा सा और बाकी है। हम इसमें अब हम हरा मिर्च ऊपर से डालेंगे, इसका फ्लेवर इससे बहुत अच्छा आता है। और इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। अब देखिए मसाला हमारे अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसमें हम पानी डालेंगे 2 ग्लास। आपको ग्रेवी अगर कम चाहिए तो आप पानी कम डाल सकते हैं।
अब इसमें जब हम बॉयल आएगा तब हम इसमें मछली को फ्राई किया हुआ जो है वो हम डालेंगे। अब देखिए अच्छे से इसमें उबाल आ गया है, अब इसमें हम मछली धीरे धीरे डालेंगे। अब इसे हम और 5 मिनट के लिए पकने देंगे इसी तरह से। अब ये मछली बनकर तैयार है। अब ऊपर से हम थोड़ा सा धनिया पत्ते की गार्निशिंग कर लेते हैं और हम गैस ऑफ कर देते हैं। कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक और शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।